काम है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराध इतने बढ़ गए हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में इसके आधे भी अपराध नहीं है। और वो सरकार कह रही है कि अपराध हम कमी कर रहे हैं। 6 हत्याएं हुई है एक दिन में, अजघन्य हत्याएं। अब इसके ऊपर भी सरकार का इस तरह का बयान हो तो ये बात निंदनीय है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर बिल्कुल फेल है, और इसलिए और भी फेल है कि निर्दोष हजारों लोगों को इसने फर्जी इनकाउंटर के नाम पर मार दिया, उसके बावजूद भी इतनी गिरावट कानून व्यवस्था में आ रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। कि मैं पिछले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाया था, और जो उत्तर प्रदेश के हालात है उसके बारे में भी मैंने आपके समक्ष इस बात को रखा था। 2 जिलाधिकारी, एक राजीव कुमार रौतेला और एक राकेश कुमार सिंह, जो उत्तराखंड कैडर के हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें उत्तराखंड वापस जाना था, यह कहते हुए कि उनकी जो अवधि थी उत्तर प्रदेश में वह पूर्ण हो चुकी थी। उन सारे नियमों को धज्जी उड़ाते हुए मुख्यमंत्री जी, चूंकि उत्तराखंड से आते हैं, उनका उत्तराखंड प्रेम इस तरह उमड़ पड़ा कि उन्होंने उन अधिकारियों को अपने संरक्षण में इस पूरे प्रदेश में फलने फूलने का काम किया। जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वह भ्रष्ट अधिकारी जिसको रामपुर में खनन में दोषी माना गया, उनके खिलाफ सरकार से कार्रवाई का सम्मानित न्यायालय ने आदेश जारी किया, 3-3 बार आदेश जारी किया, उसके बाद भी विवादित रहने के बाद भी गोरखपुर के उपचुनाव को कराने का काम राजीव कुमार रौतेला ने करने का काम किया। ठीक कह रहे हैं, अपने माननीय नेताजी की बात को मैं बल देते हुए कहना चाहूंगी, जो अभी आप बात कर रहे थे, केंद्र से एक फंड आता है जो पुलिस इक्विपमेंट होती है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, है ना, जैसे CCTVs हो गए, अन्य ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। पुलिस इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन फंड जो है, पिछले वित्तीय वर्ष में जब से भारतीय जनता सरकार की पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो जो फंड है उसका इतना अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, वो तकरीबन बस 23% बस अभी तक यूज हुआ है। ऐसा क्यों? कम से कम जो केंद्र से फंड आ रहा है, दोनों जगह आपकी सरकार है, कम से कम उस फंड को अंडर यूटिलाइज तो मत करिए, पूरा फंड तो यूज करिए। और ये पुलिस का मामला है, ये गृह का मामला है, बस ये चीज मुझे याद करना वाले कर ले बसपा के साथ। वास्तविकता ये है कि अभी वो खा ले, उसका आनंद ले ले, क्योंकि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के पसीने छुड़ाने वाली है। तो अभी खा ले, तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि ताकत बहुत लगेगी भारतीय जनता पार्टी को हराने में, और वो हरा नहीं पाएंगे, पसीने हम निकालने वाले। बिल्कुल सर, आपने कहा है हमारे कोई भी सहयोगी दल छटक के नहीं जा रहा है, जहां तक कि बसपा सपा और कुछ और भी इन लोग जोड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ ले, मगर वास्तविकता ये है कि ये जो चिराग जब बुझने के पहले जब पकता है ना, वो इन लोग की हालत है। तो चिराग बुझने वाला है तो थोड़ा सा कर लेने दीजिए, उसके अलावा कुछ